फिर अज वड्डा कट करना पै गया क्योंकि पिछले समय जो कट किया इसे सड़क से तुहानूं टाइम दिता ही एजी की टीम बनाती सी तीन महीने का समा लै लिया 15 दिन का फिर ले लिया तुहाडे अनुसार इंसाफ अजे भी नहीं मिले। फिर इस सरकार ने जिहड़ियां पैड़ां शुरू करतियां गा ये सानू इंसाफ देने वास्ते नहीं सानू सिख कौम नू चढ़ाउण वास्ते शुरू कीतियां गा। विनोद कई है उहनू लाउणा वह डेरे का पैरोकार भी है डेरे का समर्थक भी है डेरे लई जां राम रहीम लई उह केस भी लड़दा रहा हाई कोर्ट भी बाकी अदालतां च भी ते अज उह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पक्ष किवें पेश करूगा। जी का जिहड़ा टीम सी उहनां दा समां समाप्त होया है उत्ते तुसीं काफ़ी तलखी दे विच आ गए सी इत्थे काफ़ी तू तू मैं मैं भी है तुहाडे वल्लों भी जोत सिंह बैंस कलतार सिंह संधवा सारे गुरदैत सिंह सेखो सारे बैठे सीगे मैं उन्होंने बेनती एक की सी मैं क्या जे थोड़े झूठे बदलाव की कुर्सी संगरूर दे विचों मेन कैबिनेट नूं हरा सकते हैं असीं ते आने वाले समय दे विच थोड़ा सरपंच नहीं किसी ने बन देना गा विधानसभा जो एक बंदे ने सिर्फ वह भी साडा परदेसी बंदा होवे ते गुरु की मेहर है जिन्हें बेअदबी का मसला चक्या सैशन दे विच ते कलतार सिंह संधवा कहिंदे तुसीं बह जाओ तुहानूं बोलण नहीं दिता गया। जे तुसीं कह दोगे आम आदमी वाले आपां नूं इहदा दे देणगे इंसाफ नहीं मिलना साडे लोकां नूं रल के लड़ना पैणा फिर इहदा इंसाफ मिल सकदा जे तुसीं कहोगे ये सरकारां दे देणगियां आम आदमी वाले ते इह तां आप खिलणे फिरदे। मंत्री साहब इत्थे पहुंचदी है बैंस जी स्पीकर विधानसभा दे पहुंचदी है वह आके कहिंदे आ कि सानू 6 महीने का जिहड़ा समां दिओ ते जदों 6 महीने के समय की मांग की गई तो इत्थे जिहड़े मोर्चे संगत बैठी सी उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिता उन्होंने कहा कि 31 जुलाई नूं वड्डा असीं मीटिंग करांगे संगतां तों पुछांगे कि समां देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कुछ नाल साडे सिख आगू गलबात करदे आ क्योंकि मोर्चे तो पहले दिनों खड़े है किवें लगदा जी तुहानूं आ फिर अज वड्डा कट करना पै गया क्योंकि पिछले समय जो कट किया इसे सड़क से तुहानूं टाइम दिता ही एजी की टीम बनाती सी 3 महीने का समा लै लिया 15 दिन का फिर ले लिया तुहाडे अनुसार इंसाफ अजे भी नहीं मिलिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीर इस सरकार ने जिहड़ियां पैड़ां शुरू करतियां गा ये सानू इंसाफ देने वास्ते नहीं सानू सिख कौम नू चढ़ाउण वास्ते शुरू कीतियां गा उहदे च की कीतियां सब तो पहला जिहड़ा विनोद कई है उहनू लाउणा वह डेरे का पैरोकार भी है डेरे का समर्थक भी है डेरे लई जां राम रहीम लई उह केस भी लड़दा रहा हाई कोर्ट भी बाकी अदालतां च भी ते अज उह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पक्ष किवें पेश करूगा जिहड़े दोषी सीगे उहनां नू बचाउंदा रहा किसे समय नाल गल है भी हुण जे आउण वाला समां साडे लई सिख कौम लई घातक है मेरे अनुसार जे मेरी राय पुछोगे तां सरकार नू बिल्कुल समां देना नहीं बनदा गा जिहड़ा सहेल बराड दे रिश्तेदार फरीदकोट दे मुख अफसर लाते बादलां दे चहेते इंटैलीजेंस दे मुख अफसर है जिहड़े जिथे भी इह होणगे जिहड़े साडे आपदे लीडर आ जिहड़ी साडी लीडरशिप आ उह मीटिंगां करन वेले जदों सिख कौम दा दबाअ हुंदा गा ते जदों बाद चों असीं मीटिंगां करदे आ जाके दफ्तरां दे विच विसार देंदे आ इस करके मेरी तो सारी लीडरशिप नू सारिआं नू इक्को बेनती है जिद्दे 10 तरीक नू एजी दा जिहड़ा टीम सी उहनां दा समां समाप्त होया है उत्ते तुसीं काफ़ी तलखी दे विच आ गए सी इत्थे काफ़ी तू तू मैं मैं भी है तुहाडे वल्लों भी कारण की रहा सीगा उस दिन फिर 24 तरीक नू तुसीं आए सी जां नहीं। कारण यही सी 24 तरीक नू भी मैं आया सीगा उदण भी मैं उहनां नू चारे हरजोत सिंह बैंस कलतार सिंह संधवा सारे गुरदैत सिंह सेखो सारे बैठे सीगे मैं उहनां नू बेनती एक की सी मैं क्या जे थोड़े झूठे बदलाव की कुर्सी संगरूर दे विचों मेन कैबिनेट नू हरा सकते हैं असीं ते आने वाले समय दे विच थोड़ा सरपंच नहीं किसी ने बन देना गा इस गल का दुख सानू क्यों आउंदा गा जिहड़े बंदे कहिंदे सीगे 24 घंटे दे विच विच थोड़ा असीं इंसाफ कर देंगे साडे कोले आई जी कुंवर विजय प्रताप दीआं रिपोर्टां पईआं उहदे विच दोषी पए आ जिहड़े मास्टर माइंड आ उह पए आ ते अज की गल जदों विधानसभा चों इक बंदे ने सिर्फ वह भी साडा परदेसी बंदा होवे ते गुरु की मेहर आ जिन्हें बेअदबी का मसला चक्या सैशन दे विच ते कलतार सिंह संधवा कहिंदे तुसीं बह जाओ तुहानूं बोलण नहीं दिता गया जे आई जी कुंवर विजय प्रताप ते तुहानूं इन्ना ही माण सीगा सानूं तां आउण वाले समें दे विच उदों स्टार्टिंग च इह लगदा सी वी गृह मंत्रालय उहनां नूं देणगे ते उह चंगे वाजिब रूप दे विच इह साडा मसला पहले दे आधार ते सोल्व करनगे पर इह पहली गल तां साडी वी लड़ाई दिल्ली नाल आ दिल्ली तों पॉलिसियां चलदियां हुण भगवंत मान ते राघव जड्डा दी लड़ाई दफ्तर
दे विच शुरू हो चुकी है भी अफसर राघव चड्ढे नूं जवाब दे होणगे जां भगवंत मान नूं। जिहड़ी कोई कैप्टन सरकार सीगी जां बादल सरकार सी, इन्हां ने तां पंथ दे नां ते लंबे समें तां ही बेवकूफ बनाया, दुनिया नूं ठग्गिया खाधा। जे अज इह झूठा इनकलाब लै के आए आ ते इन्हां दा वी कुछ नहीं। इन्हां ने भी हर सचेत तों इह वादा कीता सीगा जिन्नूं जिद्दे सानूं सेवा दा मौका दित्ता ते नाल दी नाल ही जिहड़ा इंसाफ दिवावांगे। गल तो बई उ है, मैं उदन इतने जो कुलतार सिंह संधवा बैठे ही, मैं क्या अमोलक सिंह भी बैठे ही, मैं उन्होंने एको गल आखी थी, मैं क्या तुम हर रोज आके इतने अरदासा करते ते नाले यकीन दवाते भी असं वध तो वध छेती समय के भी इस का फैसले का निपटारा करा। जिस दिन मेरी पहली मीटिंग हुई सी बाबा बख्शी सखराज सिंह हरपाल सिंह खारा एस एस पी फरीदकोट बैठे थे तो ए जी की सारी टीम बैठी सी, मैं क्या नवजोत सिद्धू ने जिमें धौन ते गोडा रख के परचा पवाया मजीठिए दे, जे पाउणा तां बादलां ते आए पाओ, नहीं इत्थे किसे ने नहीं पाउणा परचा, ना उन्होंने कोई राह छड्डिया होगा। जिहड़ा गृह मंत्री इत्थे दा हौलदार सरपंच नहीं मान अदालतां च तां उह पैसे लैके कोई गवाह मकरा लैंदे आ कोई कुछ कर। अज दा कोई सलाह मशवरा होया अज की सोचा है, अज लोकां नूं संगत नूं की सुनेहा दोगे? अज संगत नूं सुनेहा मेरे वल्लों तां इही आ वी सरकार नूं बिल्कुल टाइम देना बनदा नहींगा। जिहड़ी बाकी सुखराज सिंह री ते संगत उत्थे विचार वटांदरा बुला रहे जथेबंदियां दे नुमाइंदे करनगे, असीं उहनां नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े हां। बहुत बहुत धन्यवाद। तां होर वी जिहड़े असीं गलबात करन दी कोशिश करांगे जिहड़ी उहनां दे नाल की उहनां दा कहना है, क्योंकि लगातार जिहड़ा मोर्चा इह इंसाफ मोर्चा जिहड़ा लगाया गया 6 महीने तो करीब दा उपर दा जिहड़ा समां हो गया, तां असीं अजिहे शख्स दे नाल तुहाडी इंटरव्यू करावांगे। ये जिहड़े साबका इंस्पैक्टर ने कृष्ण कुमार, इन्हां दी जिहड़ी इमानदारी भी जिहड़ी समें दीआं सरकारां नूं रास नहीं आएगी, उस तों बाद ये भी जिहड़ा खुल के जिहड़ा सरकारां दे मौजूदा जे गलत काम करदे उन्हां दे खिलाफ कुद्दे ने ते अज मोर्चे च पहुंचे हैं। स्वागत है कृष्ण जी। थैंक यू जी, मेहरबानी, वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। कृष्ण जी, किवें लगदा सरकार पिछली भी आई सी कांग्रेस की, उन्होंने किया वादा भी असं पहले 4 हफ्तों के तुम्हें इंसाफ दवा देंगे, बेअदबी का भी गोलीकांड का भी, उस तो बाद आम आदमी पार्टी का भी उही सीगा भी सानू सेवा का मौका दे दो असं इंसाफ दवा देंगे। देखियो जी, ये अपने बेअदबी दे पॉलिटिक्स करते हरेक हूँ, जे तुम कह दोगे आम आदमी वाले आपूदा दे देंगे इंसाफ नहीं मिलना। जिहड़े बंदे ने बेअदबी बारे सैशन दे विच बोलिया कुरु विजय प्रताप जी, जिहड़े कि मेरे आइडल है, उस बंदे नूं उन्होंने अजे तक साइड ते रखिया ते भेजिया किहड़ा पंचायत, ओह की किहड़ा मंत्री इत्थे हरजोत बैंस बैंस, उहदा की मतलब है तुसीं भेजणा तां सीएम इत्थे आवे जिहनूं बरीकी ने जिहने बरीकी नाल जांच कीती है, जिहने बरीकी ने। इह भगवंत मान साहब उदों तां कहिंदे सी वी इन्ने चिर च असीं कर दांगे, हुण 4 महीने टप गए, होना कुछ नहीं गा। यह तो साडे लोगों नूं रल के लड़ना पैना, फिर यह इंसाफ मिल सकता। जे तुसीं कहोगे ये सरकारां दे देणगियां आम आदमी वाले ते इह तां आप खिलरे फिरदे आ, केजरीवाल साहब ने मन्ने सी 24 घंटे दे दिओ कर दांगे, अजे तक 24 घंटे नहीं पूरे होए। जिन्ना चिर असीं दिल्ली ते थल्ले इलाके चलांगे बेअदबी दा इंसाफ नहीं मिलदा, क्योंकि केजरीवाल तां साडी अपने सिखां दे वैसे खिलाफ आ। ते बाकी जिहड़े बंदे यार फुकरपंथी करदे आ के ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਕਟਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਯਾਰ ਸਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਬਲ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਫੁਕਰੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ MLA ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੋ ਬਾਜਰਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੋ ਬਾਜਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਟੂ ਫੇਲ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਦਾ ਯਾਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਲਾ। ਅੱਜ ਗੱਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਫੜ ਕੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਵੇਖ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਈ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਮਨਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵੀ 31 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 2015 ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਂਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਅਨਨੋਨ ਡਕੈਂਤੀ ਸੀ ਤੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸਭ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਲੇ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ ਯਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਹੀ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਟੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਟੇ ਪਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੁੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਜੇਕਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੋਰਚੇ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਮਾਣਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ